चाचा कितना विकास हो पाया है? कितना विकास हो विकास कुछ नहीं हुआ है, शिक्षा को तो लेकर बह गए, कोई काम नहीं मिले 10 साल का। क्या बताइए, विकास के नाम पर तो कुछ नहीं किए। एक बार भी आम आवाम से दर्शन भी नहीं दे पाई। मंजू वर्मा को कोई एक बी सी डी कोई भी वोट नहीं देगा। जदयू के मुखिया नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कह दिया कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में दागी लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन उनके कथनी और करने में कितना अंतर है, इसी बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने एक बार फिर से अपने ही दागी विधायक मंजू वर्मा को टिकट दे के इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि उनके कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। अभी मैं फिलहाल चिड़िया बराबर विधानसभा क्षेत्र में हूं और यह मंझौल है जहां पे अभी मैं खड़ा हूं। चूँकि शाम का समय है और चाय की दुकान पे चाय की चुस्की लेने के लिए यहां लोग बैठे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहां पे हम बात करेंगे कि यहां के जो विधायक हैं मंजू वर्मा विगत 10 वर्षों से काबिज हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वही मंजू वर्मा हैं जो जिन पर मुजफ्फरपुर बालिका गृह का के मामले में इनको जेल हुई थी। और ये वही मंजू वर्मा हैं जिनके पति पर अवैध रूप से कारतूस रखने का आरोप लगा था और उसमें वो जेल गए थे। इसको दरकिनार कर दें, अब चूँकि चुनाव का समय है हम बात करें यहाँ के लोगों से विकास के कितने ईंट यहाँ पे जोड़ पाए हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। चाचा कितना विकास हो पाया है? विकास यहाँ कुछ आवल से समाज में कुछ बोला बोली हो विकास हो। 10 वर्ष से वो यहाँ पे काबिज हैं, कभी आए हैं आपसे मुलाकात करने के? जी नहीं, हे वोट वो अपन जाए छे हमें अपन बैठे बस ये थे। विकास कितना हो पहले चाचा? कहलो कुछ नहीं भले ओकरा। चाचा कितना विकास हो पाया है, कितना विकास होले? कुछ न हो ओकरा से कुछ होय वाला नहीं, कोई काम नहीं भले 10 साल का उनका। यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि वो सड़क से आती हैं जाती हैं, लोग देखते रह जाते हैं, विकास बहुत दूर की बात है। अभी हम लोगों से बात करेंगे। चाचा कितना विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, हम लोग को तो विकास में विकास देखते हैं। ये गरीब आदमी है, चलने वाला नहीं है, अंत्योदय कार्ड था, अंत्योदय कार्ड था, नाम कार्ड के हटवा दिया गया, भूख भी गए, भूख से मरते हैं, राशन नहीं मिलता इस बार इनको, जनवरी से नहीं देता। अब एक बार फिर से चुनाव का समय आया है, हाथ जोड़ के माला पहन के लोग आएंगे और कहेंगे कि हमको वोट दीजिए हमको जिताइए, क्या कहिएगा आप? हम कहेंगे वोट देंगे नहीं, हम जो हमको विकास करेगा उसको वोट देंगे। किसको वोट देना चाहेंगे, कौन किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, नीतीश कुमार को या तेजस्वी को या किसी और को? चिराग पासवान को। चिराग पासवान को जी। साफ तौर पे कह रहे हैं कि विकास यहाँ नहीं हुआ है। और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विकास के कितने ईंट जोड़े गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, विकास किसको कहते हैं? विकास कुछ नहीं हुआ है मुझे नहीं। विधायक जी से कभी मुलाकात हुई है? नहीं। क्या कहना चाहेंगे, विकास के कितने ईंट जोड़े गए यहाँ? विकास कुछ नहीं हुआ है, शिक्षा को तो लेकर बह गए, अस्पताल में ढाकर भैंसा की जगह पानी भरा है मवेशी अस्पताल में, और सरकारी अस्पताल को देखिए एकदम खाली है, डॉक्टर नहीं है। यहाँ स्कूल में जाइए अनपढ़ मास्टर को रख दिया है, जो या टीचर ट्रेनिंग का नहीं है, हाई स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो, शिक्षा क्या दे पाएंगे, देश किस पर चलता है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। क्या कहना चाहेंगे, विकास कितना हो पाया है? एक पैसा भी विकास नहीं है, अब तक जो किए हैं दिखावे के लिए किए हैं बस, बहुत बहुत दुखी तो बहुत दुखी बात है जो उन्होंने ऐसा सर चक्रव्यू रख के ऐसी गंदी घटिया हरकत किए हैं समाज के साथ, बहुत बड़ा है। हमारे विधायक तो बहुत खराब काम किए हैं जिसके चलते उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा, काहे छोड़ना पड़ा इस पूरा बिहार के लोग जानता है। क्या बताइए, विकास के नाम पर तो कुछ नहीं किए, न स्कूल कोनो काम किए हैं, न अस्पताल कोनो काम किए हैं, रोड में इतना पानी हर रोड मंजौल के लिए कोई काम नहीं। वो कौन सा काम किए हैं जिसकी बात आप कह रहे हैं?
कौन वो किए हैं, बस शेल्टर होम में काम करवाते थे, कौन घिनौना काम, जिसके लिए उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। और उनके पति पर भी कोई मामला था सर? पति आर्म ट्रक में गए थे, उन्हीं चलते गए, वो देखो किए थे दोनों के। हाँ तो नाम तो पता चलिए जाएगा नहीं, इस बात क्या होता है। जनता क्या जवाब देगी अब? जनता तो जवाब देगी इस बात, क्या मंजू वर्मा को वोट नहीं देगा। मंजू वर्मा की तो बातें अलग रखिए, वो तो कुछ यहाँ तक यहाँ के लोगों को जो कह करके आए थे, हम बाजारपुर के हैं, यहाँ की बेटी हूँ, मैं बराबर मुलाकात करूँगी, बराबर आपकी समस्या को लेकर करके यहाँ तक करूँगी, ये एक बार भी आम आवाम से दर्शन भी नहीं दे पाई। विकास की तो बात छोड़िए, स्कूल पर देख लीजिए क्या स्थिति है, यहाँ पानी की मूल समस्या है, बचा हुई है, हर घर में पानी है, कोई घर बाकी नहीं है जिस घर में पानी नहीं है। और पानी के जल जमाव की वजह से आप देख लीजिए, जो वहाँ पंपिंग सेट लगा हुआ है, रोड पर पानी बह रहा है, क्या करें, घर घर से पानी निकालना, ये स्थिति बनी हुई है। तब अब देखिए जनता की मूड है, सरकार का अति है, पग पग में किसी समा बदलता है, क्या होगा या नहीं, लेकिन यहाँ आम लोग भीतर से विवश है, यह परिवर्तन चाह रहा है। अब परिवर्तन किस ओर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। हमने ख्याल से बिल्कुल 100 में 100, 100 में 200 बटा फेल। त्यागी को टिकट फिर से नीतीश जी दे दिए, लेकिन वह दागी दागिए नहीं रह गया, वो घून के तरह सर गया, बदबू आता है बदबू। एक मंत्री रहते हुए वैसी वैसी घृणित कार्य करे और फिर नीतीश उसको यहाँ क्षेत्र में लाके दे, यह बदबू आता है उससे। और उनको हमारे पड़ोसी बोले जो हम कहते हैं 100 में 100 100% वो फेलवर हो जाएगी, यह सीट उसको नहीं बन पाएगा, चूँकि यहाँ का हर एक मास हर एक गरीब जनता बहुत आशा से वोट दिया था। और वोट देने का कारण जो आप सामने देख रहे हैं स्कूल का, उन्हीं को रिजिन में क्या हुई इसको नहीं देख सकते थे। वह देख लीजिए वे मरे हुए जेपी मूवमेंट का वह विद्यार्थी, और वहाँ वो कसम खा गए कि हम जीतेंगे तो जीर्णोद्धार कराएंगे, लेकिन वहाँ कोई जीर्णोद्धार कोई उनसे काम ही नहीं हुआ। और क्यों काहे के लिए वो फिर इस क्षेत्र में आके ठड़ा हो गया, मखोटला बन रहा है, कोई राजनीतिक नहीं उससे हो रहा है। मंजू वर्मा को कोई एक BCD कोई भी वोट नहीं देगा, सब दे के थक चुका है। अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की बातें हैं, और साफ तौर पे स्पष्ट रूप से बातें अलग अलग ढंग की जरूर हैं, लेकिन उसका निचोड़ यही है कि बात करें यहाँ की विधायक मंजू वर्मा की, विकास के एक ईंट नहीं जोड़े गए, विकास की कोई बयार नहीं बही। अब देखना होगा कि एक बार फिर से बिहार में चुनाव है, और इस चुनाव में मंजू वर्मा के पक्ष में कितने लोग वोट डालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बेगूसराय से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं किस वाला